नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सेल्फी लेने के दौरान रेलवे ट्रैक पर हुआ हादसा, युवक की गई जान। मुंगेर पुलिस ने पहाड़ी पर चल रहे मिनी गन फैक्ट्री का किया पर्दाफाश, भारी मात्रा में हथियार के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार। विधानसभा चुनाव को लेकर एसएसपी ने पुलिस कर्मियों को दिया प्रशिक्षण, कोविड 19 को लेकर विशेष सावधानी बरतने के दिए निर्देश। प्राइवेट कोचिंग संस्थान खोलने की मांग को लेकर शिक्षकों ने किया प्रदर्शन, भिक्षाटन कर सरकार के खिलाफ जताया आक्रोश। और अमरपुर में नहीं थम रहा है तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित बाइक चालक ने राहगीरों को मारी टक्कर, एक की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। लोग बेहतर से बेहतर फोटो की चाह में कुछ भी कर जाते हैं। सेल्फी लेने का तो युवाओं पर जैसे भूत ही सवार हो। बड़ी इमारत हो या उफनती नदी का किनारा, लोग अच्छी सेल्फी के लिए कोई भी खतरा उठाने को तैयार हैं। और ऐसे में कई बार सेल्फी इंसान की जान पर बनाती है। ताजा मामला भागलपुर जिला का है, जहां बीहपुर और खरीक रेलवे स्टेशन के बीच 27 वर्षीय एक युवक सेल्फी लेने के लिए खतरों से खेलता हुआ दो ट्रेनों के बीच आकर दुर्घटना का शिकार हो गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि युवक बीहपुर के शेख टोला का रहने वाला है और हाल ही में उसकी शादी हुई थी। मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के निर्देश पर की गई छापेमारी के दौरान नक्सल प्रभावित इलाके से रामगिरिया पहाड़ी पर चल रहे मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। घटना को लेकर मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने बताया कि श्यामपुर ओपी अंतर्गत रामगिरिया पहाड़ी पर अवैध हथियार बनाए जाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद जिला सूचना इकाई की टीम ने पहले रेकी कर हवेली खड़गपुर एसडीपीओ संजय कुमार पांडे के नेतृत्व में टीम का गठन किया। एसडीपीओ संजय कुमार पांडे के नेतृत्व में जिला सूचना इकाई द्वारा खड़गपुर थाना अध्यक्ष मिंटू कुमार सिंह और श्यामपुर ओपी अध्यक्ष पप्पन कुमार के साथ मिलकर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 5 मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। साथ ही पुलिस ने अवैध हथियार बनाने के आरोप में अशोक बिंद, बजरंगी कुमार और मोहम्मद औरंगजेब को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान 7.65 mm बोर की दो सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 9 मैगजीन, एक देसी कट्टा, 6 गोलियां, बांस बेंच मशीन, एक ड्रिल मशीन सहित हथियार बनाने के काम में इस्तेमाल आने वाले अन्य सामानों को बरामद किया गया है। बता दें कि अवैध हथियार के खिलाफ मुंगेर एसपी के निर्देश पर लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं गुरुवार को गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। श्यामपुर ओपी क्षेत्र अंतर्गत सूचना आ रही थी कि वहां पर अवैध मिनी गन फैक्ट्रीज का संचालन होता है। जिला सूचना इकाई ने इसके बाद वहां पर इन्फॉर्मेशन गैदर किया और खड़गपुर श्यामपुर ओपी और जिला सूचना इकाई की टीम ने रामगिरिया पहाड़ी पर छापामारी करके 5 मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। इसमें 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 1 देसी पिस्टल, 6 गोलियां और करीब 9 अर्धनिर्मित देसी पिस्टल भी बरामद किया गया है। साथ में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से हथियार बरामद हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर भागलपुर पुलिस लाइन परिसर में एसएसपी आशीष भारती ने पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया। इस दौरान चुनाव के दिन बरती जाने वाली सावधानियों एवं कोविड 19 को लेकर पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया, जिससे चुनाव के दौरान किसी प्रकार का व्यवधान या अव्यवस्था न फैले। एसएसपी ने कहा कि चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस के अनुसार पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। कोविड 19 के लिए सभी पुलिस कर्मियों को विशेष दिशा निर्देश दिया गया, जिससे पूरी सावधानी के साथ चुनाव संपन्न कराया जा सके। मौके पर जिले के कई पुलिस अधिकारी, थानाध्यक्ष और पुलिस कर्मी मौजूद थे। चुनाव के समय क्या करना है, चुनाव से पूर्व क्या करना है, चुनाव के दिन क्या करना है और चुनाव के बाद क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें उसमें बताई जा रही हैं। मुख्य रूप से जो पूर्व से जो चुनाव में पुलिस का जो रोल है उस पर फोकस किया जा रहा है, जो कानूनी प्रावधान है जिसको इन्फोर्स पुलिस को कराना है उस पर फोकस किया जा रहा है। और साथ ही साथ कोविड के कारण जो नए दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, जो बदलाव आया है कई सारे नियमों में, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है और कोविड से बचने के लिए भी उसमें जानकारी दी जा रही है। तो सभी लोगों को ये फेज वाइज ये ट्रेनिंग दी जा रही है और सभी पुलिस पदाधिकारी से लेकर के पुलिस कर्मियों तक इसकी ट्रेनिंग दी। भागलपुर प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन की ओर से गुरुवार को रानी लक्ष्मीबाई चौक के समीप सांकेतिक भिक्षाटन कार्यक्रम किया गया।
कोविड 19 को लेकर स्कूल एवं कोचिंग संस्थान बंद रखने की नीति के खिलाफ एवं आर्थिक रूप से परेशान शिक्षकों ने विरोध स्वरूप एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार के नेतृत्व में भिक्षाटन किया। इस दौरान अलग अलग संस्थानों के शिक्षकों ने अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए सरकार से स्कूल एवं कोचिंग संस्थान खोलने की अनुमति देने की मांग की और कहा कि कोरोना और लॉकडाउन के दौरान शिक्षण संस्थान बंद रखा गया, जिससे प्रबंधन के साथ साथ शिक्षकों की आर्थिक स्थिति बदतर हो गई है। साथ ही कहा कि जब अन्य सभी सेवाओं को शुरू कर दिया गया है तो स्कूल कॉलेज और शिक्षण संस्थान ही क्यों बंद रखे गए हैं। मौके पर काफी संख्या में प्राइवेट शिक्षक मौजूद थे। क्या आत्मदाह कर ले, क्या भीख मांगे? 7 महीने से सब कुछ जो बंद है, संविधान में जीने का भी अधिकार दिया गया है, तो उस अधिकार के तहत हम लोग अपनी जीविका चलाने का अधिकार जो है सरकार से मांगते हैं। आज सरकार के द्वारा जो प्राइवेट कोचिंग संस्थानों के प्रति दोहरी नीति अपनाई गई है, जो स्वरोजगार में लगे हुए शिक्षकगण हैं, जो आत्मनिर्भरता की परिभाषा को पूरी तरह से आज दिखा रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना में खड़े उतरे हैं, ऐसे शिक्षकों को सड़क पर उतरने के लिए सरकार ने अपनी नीति से वादे किया है। हम लोग सरकार के विरुद्ध, सरकार के जो घोषणा जो सरकार ने किया कि कोचिंग को जो है कि बंद कर रखना है, छात्रावास को बंद रखना है, उसके एवज में आज ये दिन देखने को मौका मिल गया है कि हमें जाके भिक्षाटन करने की स्थिति आ गई है। ये हमारे देश में अच्छे दिन आने का ये पहचान है। एक शिक्षा विधो करके आज हम लोग रोड पर आ गए हैं। बांका के अमरपुर में लोग आए दिन सड़क हादसे का शिकार होकर मौत के मुंह में शमाते जा रहे हैं। ताजा मामला अमरपुर के गंडेल पंचायत की है, जहां अमरपुर भागलपुर मुख्य मार्ग पर लापरवाह बाइक सवार ने सड़क किनारे चल रहे 3 लोगों को धक्का मार दिया। घटना में एक की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य जख्मी हो गए हैं। मृतक की पहचान ब्रह्मदेव हरिजन की पत्नी 55 वर्षीय लीला देवी के रूप में हुई है, जबकि घायल गुंजा देवी एवं काजल देवी का इलाज रेफरल अस्पताल अमरपुर में चल रहा है। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर विरोध जताना शुरू कर दिया, जिससे भागलपुर अमरपुर मुख्य मार्ग पर घंटों जाम लगा रहा। घटना की जानकारी मिलते ही अमरपुर थाना पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और मृतक के परिजनों को समझा बुझाकर शांत करवाया, जिसके बाद मामले पर काबू पाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए बांका भेजा गया। वहीं मृतक के परिजनों ने बताया कि लीला देवी कुंजा एवं काजल के साथ दवाई लेने मेडिकल गई थी और वापस आने के क्रम में भागलपुर से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें ठोकर मार दिया, जिसमें लीला देवी की मौके पर ही मौत हो गई। दवाई लेने के लिए क्या मेडिकल से आ रहा था और उसमें बाइक वाले ने धक्का मारा। उधर से किधर से आ रहा था बाइक वाला? बाइक वाला डुमरामा से, इधर से जा रहा था। भागलपुर के जिला स्कूल एवं राजकीय बालिका उच्च विद्यालय में गुरुवार को विधानसभा चुनाव को लेकर 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीआरडीए निदेशक सह नोडल पदाधिकारी प्रशिक्षण कोषांग के मार्गदर्शन में आयोजित ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान जिले के सभी पीठासीन पदाधिकारियों को मतदान प्रक्रिया, बूथ, ऐप कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, कोविड-19 से बचाव, सरकारी दिशा निर्देश का पालन करने, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और चुनाव संचालन से संबंधित बातों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। मौके पर वरीय उप समाहर्ता मनीष कुमार, विकास कुमार, मिथिलेश कुमार, प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी सहित सभी पीठासीन पदाधिकारी मौजूद थे। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
बात 1950 1950। चाहे शिकायत या सुझाव 1950 1950। चुनाव के पहले चुनाव के बाद 1950 1950। मतदाता सूची में नाम जोड़े के प्रक्रिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बूथ के जानकारी, वोटर कार्ड कैसे बनी, ऐसा सारा सवाल के जवाब मिली 1950 पर। ये चुनाव बस एगो नंबर याद रखी, भारत निर्वाचन आयोग के टोल फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950। अब कोनो मतदाता बिहार के कोनो कोना से कार्यालय अवधि में 1950 पर कॉल कर सकता। 1950 से अब मतदाता जानी अपन हक के जानकारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से गुरुवार को भागलपुर में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि छात्र लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यामिनी मिश्रा का लोजपा कार्यकर्ताओं ने बुके देकर स्वागत किया। इस दौरान लोजपा प्रदेश नेत्री संगीता तिवारी, डिप्टी मेयर राजेश वर्मा, लोजपा जिलाध्यक्ष अमर सिंह कुशवाहा, धनंजय यादव समेत कई लोजपा नेताओं ने यामिनी मिश्रा का भागलपुर में दौरे पर स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छात्र लोजपा की राष्ट्राध्यक्ष ने कहा कि संगठन से युवाओं को जोड़ना और मजबूती प्रदान कर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के तहत पार्टी को सशक्त बनाना लोजपा कार्यकर्ताओं का लक्ष्य है। विधानसभा चुनाव में लोजपा की जीत का दावा करते हुए यामिनी मिश्रा ने कहा कि भागलपुर समेत पूरे बिहार में संगठन मजबूती से तैयारी में जुटा है और पार्टी आलाकमान के निर्देश अनुसार कार्य किया जाएगा। वहीं लोजपा नेता सह उप महापौर राजेश वर्मा ने कहा कि चुनाव में लोजपा की जीत पक्की है, भागलपुर के युवा लोजपा के साथ हैं। मौके पर गुंजन देवी, नीरज मंडल, पिंटू तिवारी समेत काफी संख्या में लोजपा कार्यकर्ता एवं युवा मौजूद थे। तमाम युवाओं को संकल्प कर रहे हैं कि बेहतर बिहार बनाना है, शिक्षित बिहार बनाना है और सुदृढ़ बिहार बनाना है, और युवाओं की सहभागिता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। युवा इस प्रदेश के संबल, उसी के तहत भागलपुर में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया कि तमाम युवाओं को संकल्पित किया जाए कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट है। और जिस चिराग पासवान जी ने इसकी बात शुरू करी, क्योंकि अभी तक कमोबेश जितनी पार्टियां रही वो लड़ाई लड़ती थी बिहार पर राज कर, और चिराग पासवान लड़ाई लड़ते हैं बिहार पर राज कर। हम सभी लोग नौजवान हैं, हमारे राष्ट्र अध्यक्ष नौजवान हैं, और नौजवान का अर्थ ही होता है कि संघर्ष। जहां नौजवानों की बात होगी वहां संघर्ष की बात होगी। तो फिर अभी हमारे पास पाने के लिए, खोने के लिए पूरी उम्र पड़ी। हमें कोई हड़बड़ी नहीं है कि हमें कल ही सब कुछ चाहिए। हमें अभी सिर्फ यही हड़बड़ी है कि हमारे शहर को मूलभूत समस्याओं से उभारना। भागलपुर से गुरुवार को रिश्ते और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। दरअसल शहर के मोदी नगर कुतुबगंज ठाकुरवाड़ी में घर वालों से उपेक्षित एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। वृद्ध महिला के मौत की सूचना मिलने पर घरवाले महिला के शव को लेने ठाकुरवाड़ी पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने महिला के पुत्र धूरी ताती को जमकर खरी खोटी सुनाई।
हालांकि घर वाले मृत महिला के शव को अंतिम संस्कार के लिए अपने साथ ले गए। स्थानीय लोगों के अनुसार वृद्ध महिला के दो पुत्र हैं, जिसमें से एक पुत्र धुरी ताती चाय की दुकान चलाता है और दूसरा पुत्र विजय ताती मजदूरी कर अपना भरण पोषण करता है। लेकिन विडंबना यह है कि दोनों पुत्र का परिवार होने के बावजूद वृद्ध महिला को मांग कर अपना गुजारा करना पड़ रहा था। आसपास के लोगों ने कई बार परिवार के लोगों से वृद्धा को घर में रखने और देखभाल करने की बात कही थी, लेकिन बेपरवाह पुत्रों ने अपनी मां को उसके हाल पर छोड़ दिया, जिस कारण अंततः शरीर से लाचार हो चुकी वृद्धा की मौत हो गई। भागलपुर सुल्तानगंज के धांधी बेलारी और कलहरिया कमरगंज पंचायत में सात निश्चय योजनाओं का निरीक्षण करने जांच टीम गुरुवार को गांव पहुंची। इस दौरान विभाग के जेई मोहम्मद सिद्दीकी ने वार्ड में बने जल नल योजनाओं का जायजा लेते हुए गांव के लोगों से योजना से जुड़ी सुविधाओं की जानकारी ली। जेई मोहम्मद सिद्दीकी ने बताया कि धांधी बेलारी पंचायत के 13 वार्ड में जल नल योजना का कार्य सही पाया गया, जबकि 2-3 वार्ड में जल नल योजना का कार्य अधूरा है। वहीं मुखिया प्रतिनिधि विजय चक्रवर्ती ने वीडियो से शिकायत किया कि वार्ड 6 में जल नल योजना का कार्य कर्ज लेकर पूरा किया गया, लेकिन विभाग द्वारा अब तक पैसों का आवंटन नहीं किया गया है। इधर निरीक्षण के दौरान मुखिया प्रतिनिधि अंजन सिंह, जदयू नेता राजेश कुमार उर्फ पप्पू मंडल सहित कई वार्ड पार्षद मौजूद थे। ये काम तो लगभग खत्म हो गया, लेकिन कर्ज है, कर्ज लगा हुआ है अभी, तो जब तक कि सरकार पैसा देगी नहीं तो हम लोग कर्ज कैसे। वीडियो साहब सबसे बात, हाँ वीडियो साहब से बातचीत हुई है, बोला पैसा आएगा तब ना आपको मिलेगा। पोषण माह के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग से संचालित पोषण रथ को भागलपुर समाहरणालय परिसर से DDC सुनील कुमार एवं DPO ICDS अर्चना कुमारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि 17 सितंबर को समाज कल्याण विभाग पटना से रथ को रवाना किया गया था, जो विभिन्न जिलों से होते हुए गुरुवार को भागलपुर पहुंचा। पोषण माह को लेकर सरकार द्वारा लोगों तक पोषणहार से संबंधित जानकारी पहुंचाने एवं इससे होने वाले लाभ के बारे में रथ के माध्यम से बताया जा रहा है, जिससे माताओं को पोषाहार के महत्व की जानकारी मिल सके। बता दें कि पोषण जागरूकता रथ में वीडियो एवं ऑडियो के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को दिए जाने वाले पोषाहार के बारे में जागरूक किया जा रहा है, जिसका समापन गुरुवार को सबौर में किया गया। मौके पर CDPO महिला पर्यवेक्षिका, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, ICDS के अरविंद पांडे, तबरेज खान समेत कई कर्मी मौजूद थे। जैसा कि सितंबर का जो सितंबर का हम लोग का मंथ रहता है, वो राष्ट्रीय पोषण माह के रूप से मनाया जाता है, और इसमें है कि पोषण के संबंधी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी क्षेत्र में सभी जगह दी जाती है, और जितना भी हम लोग का जिला है परियोजना स्तर पर आंगनबाड़ी लेवल पर क्षेत्र में, तो मेन है कि पोषण जो है, बच्चों का पोषण जो 2 वर्ष तक होता है या जन्म के बाद जो प्रथम 1000 दिन है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाना था रहता है, तो इसमें जन जागरूकता के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से इसका चलाया जाता है। बिहार सरकार के लाख दावों के बावजूद सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना फेल हो रहा है, जिसका उदाहरण मुंगेर जिला अंतर्गत संग्रामपुर प्रखंड के वार्ड संख्या 4 में देखने को मिला। बता दें कि वार्ड संख्या 4 में 500 से अधिक आबादी वाला गांव आज तक 7 निश्चय योजना के पूरा होने के इंतजार में है। जमीनी हकीकत यह है कि गांव में आज तक एक भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ। बीते 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण टूटी फूटी सड़क भी घुटने भर से अधिक पानी में डूब गई है। नाले का पानी घरों के अंदर बहता देख लोगों में सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर गुरुवार को ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं लिखी तख्ती लगाकर सरकार के अधिकारियों और वार्ड पार्षदों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मुर्दाबाद का नारा लगाया। वहीं वार्ड सदस्य मांझी ने बताया कि मुखिया द्वारा 7 निश्चय योजना का पैसा नहीं दिए जाने के कारण बीते 2 वर्षों से योजना का काम ठप पड़ा हुआ है। इधर मामले को लेकर BDO ने कहा कि वार्ड सदस्य, मुखिया और अधिकारियों से बात कर जल्द से जल्द योजना को पूरा करवाने की कोशिश की जाएगी। पंचायत से, पंचायत के मुखिया से बात हुई है, वो बता रहे हैं कि राशि का अभाव, ऐसी कहां से, मतलब कि ये 7 निश्चय योजना नहीं हो पा रहा है, इसको मनरेगा से किसको काम किया जाएगा। ठीक है, हम PO से लाइजनिंग करते हैं और मुखिया से लाइजनिंग करवा कर इसको काम कराते हैं। देश भर में कोरोना का कहर जारी है और इसकी चैन तोड़ने में NCC क्रेडिट्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। NCC क्रेडिट्स कोरोना काल में मास्क निर्माण कर लोगों के बीच बांट रहे हैं, साथ ही क्रेडिट्स द्वारा COVID-19 को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। गुरुवार को भागलपुर मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज में NCC 4 बिहार बटालियन के समादेशी पदाधिकारी कर्नल अमूल्य शर्मा के निर्देश पर कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मास्क वितरण किया गया। वहीं प्राचार्य डॉक्टर सलाहुद्दीन हसन ने महाविद्यालय की क्रेडिट रशीदा खातून द्वारा लॉकडाउन में प्रशिक्षण कर बनाए गए मास्क का वितरण किया और COVID-19 को लेकर कई जानकारी दी। इस दौरान मेजर रजी इमाम ने कैडेट्स को सरकारी दिशा निर्देश की जानकारी दी। मौके पर अंडर ऑफिसर चमन राजा, आमिर खान, गोपीनाथ देव, कैडेट साहेला अली, हमीदा खातून समेत कई लोग मौजूद थे।
बांका के फुल्ली डूमर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मनरेगा भवन कैथा में गुरुवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना के तत्वाधान में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यालय बांका के सौजन्य से किसानों की ग्राम सभा आयोजित की गई, जिसका नेतृत्व सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी निधि कुमारी ने किया, जबकि बैठक की अध्यक्षता मुखिया चंदन कुमार ने की। इस दौरान किसानों से जमीन सर्वेक्षण में हर स्तर पर पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को सहयोग करने की अपील की गई। पदाधिकारियों ने कहा कि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती होने के बाद जमीन विवाद में काफी कमी आएगी। साथ ही कहा कि विशेष सर्वेक्षण के बाद जमीन के दस्तावेज कंप्यूटर में अपलोड कर दिए जाएंगे, जिससे किसानों को लगान रसीद के लिए कर्मचारियों तक की भागदौड़ पर विराम लगेगा। बैठक में नवल किशोर यादव समेत आधा दर्जन किसानों ने अपनी अपनी समस्याओं को रखा। मौके पर राजेंद्र यादव, भोला यादव समेत दर्जनों किसान मौजूद थे। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सेल्फी लेने के दौरान रेलवे ट्रैक पर हुआ हादसा, युवक की गई जान। मुंगेर पुलिस ने पहाड़ी पर चल रहे मिनी गन फैक्ट्री का किया पर्दाफाश, भारी मात्रा में हथियार के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार। विधानसभा चुनाव को लेकर एसएसपी ने पुलिस कर्मियों को दिया प्रशिक्षण, कोविड 19 को लेकर विशेष सावधानी बरतने के दिए निर्देश। प्राइवेट कोचिंग संस्थान खोलने की मांग को लेकर शिक्षकों ने किया प्रदर्शन, भिक्षाटन कर सरकार के खिलाफ जताया आक्रोश। और अमरपुर में नहीं थम रहा है तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित बाइक चालक ने राहगीरों को मारी टक्कर, एक की हुई मौत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।